सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारे लिए साल का बदलना तभी सार्थक होगा जब हम भी इसके साथ स्वयं की कमियों को बदलें। आज का पंचांग 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि सुबह 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 10:33 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:25 से 9:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। धनुराशि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। दिन के शुरुआत में कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। रोजमर्रा की व्यस्तता से सुकून पाने के लिए कुछ समय अपनी रुचि के कार्यों में लगाएं। आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक एकाग्रता बनाए रखें। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। सोच में आ रहे बदलाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। लोगों के साथ परिचय बढ़ाते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, पुरानी गलतियां दोहराई ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट से संबंधित निर्णय सही साबित होंगे, बड़ा फायदा भी मिल सकता है। पार्टनर को दिए गए वचन निभाने की कोशिश करें। पेट दर्द से संबंधित समस्या होगी, शरीर को डिटॉक्स करने की भी कोशिश करें। आज के दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए भी दिन रहेगा। आपको कुछ ठगी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप किसी बड़ी उपलब्धि को अपने हाथ से जाने न दें। यदि आप किसी काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आप किसी को पार्टनर बहुत ही देखभाल कर बनाए। आप अपनी मेहनत व लगन से कार्य क्षेत्र में काफी कुछ पा सकते हैं। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कामकाज के मामलों में आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें। सावधानियां, किसी कानूनी विवाद में न फंसें, खास तौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में समस्या आने से परेशान रहेंगे। वार्तालाप करते समय सावधानी बरतें। बात करते हैं लव लाइफ की। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत है, जो कि तनाव के चलते कहीं दबसा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करियर की। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदि नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय दबाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में अनुभवी की सलाह पर अमल करने से अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों में अधिक चिंतन करने की जरूरत है। अगर कोई विभागीय जांच चल रही है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की।
अपने शरीर के स्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोचें। आप खुद को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखते ही हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जो बहुत परिश्रम करता है। आराम करें, कुछ ऐसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें जिससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करे। हर रोज खुद को 15 मिनट जरूर दें योग और ध्यान करें। अपने मन को कई दिशाओं में भटकने देने के स्थान पर अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें। सेहत का ख्याल भी रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।